Hello students, today we will discuss an important chapter, error analysis. After dimensional analysis, error analysis has a very important role in physics during practicals, during measurements. You know, errors are inherent. हम किसी भी measurement में errors को खत्म नहीं कर सकते, minimize कर सकते. And errors represents the degree of uncertainty in a measurement. किसी भी measurement में कितनी अनिश्चितता हो सकती है, that is एरर. ये मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ. ये हमारे पास एक मेजरिंग बीकर है जिसमें कोई लिक्विड है. हमारे पास चार या पांच स्टूडेंट है. पहला स्टूडेंट आता है, वो 3.1 मिलीलीटर इसको मेजर करता है. दूसरा 3.12 मिलीलीटर मेजर करता है. तीसरा 3.123 मिलीलीटर मेजर करता है. कोई 2.9 मिलीलीटर करता है. तो इन सारी मेजरमेंट्स में आप देखेंगे जो सबसे एक्यूरेट मेजरमेंट है, दैट इज 3.123. इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स ज्यादा हैं. सिग्निफिकेंट फिगर्स हम लोग पढ़ेंगे, हिंदी में इनको सार्थक अंक बोलते हैं, कि डेसिमल के बाद 3 प्लेसेस तक इसको मेजर किया गया. सिग्निफिकेंट फिगर इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ सर्टेन डिजिट्स प्लस 1 अनसर्टेन डिजिट. किसी भी मेजरमेंट में जो डिजिट्स हमारी सर्टेन है, जिनके बारे में हम निश्चित हैं, प्लस एक आखिरी डिजिट जो कि अनसर्टेन है. तो इस एग्जांपल में देखिए 3.123 मिलीमीटर को ज्यादा एक्यूरेसी से नापा गया. हम दो टर्म्स इसमें पढ़ते हैं, एक्यूरेसी एंड प्रिसिशन. आप लोग यहां देख सकते हैं, एक्यूरेसी इज डिफाइंड एज द क्लोजनेस ऑफ अ मेजर्ड वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू. एक मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू के पास कितने क्लोज है, दैट इज कॉल्ड क्लोजनेस. एंड प्रिसिशन इज द एक्सटेंट, ये वो एक्सटेंट है या लिमिट है अप टू व्हिच अ मेजरमेंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज डन. Accuracy is the closeness of the measured value to the true value. Precision is the extent, हम कितनी हद तक एक measurement को नाप सकते हैं, up to which a measurement of a physical quantity is done. So there is a difference between accuracy and precision. अब significant figures को मालूम करने के लिए we have certain rules, कुछ conventions हैं जो हमें याद करने पड़ेंगे. कुछ rules हैं, ये significant figure आपको chemistry में भी और lab में जहां भी measurement होगा, significant figures का अपना role है. पहला इसका रूल है कि ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स, हमारे पास एक मेजरमेंट है 3123 से, कोई मेजरमेंट है 3123, इसमें चारों नॉन जीरो डिजिट हैं, तो फर्स्ट रूल इज ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट. जितनी भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं वो सिग्निफिकेंट होती हैं. तो इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, ये कन्वेंशन है, रूल्स है, रूल्स आपको एज सच लर्न करने. दूसरा रूल बोलता है ऑल द जीरोस लाइन बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स. दो नॉन जीरो डिजिट है, ये रूल्स है, दिस इज द फर्स्ट रूल. ये सेकेंड रूल है, All the zeros lying between two non-zero digits. ये देखिए 300234 में 3 और 2 दो non-zero digits हैं, इनके बीच वाले zero significant माने जाते हैं, सार्थक माने जाते हैं. तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, it has got 6 significant figures. इसमें 6 सार्थक अंक हैं. अगला रूल बोलता है All the zeros to the right of a non-zero digit are not significant. आप देखिए 312300 में कोई reading नहीं है, कोई measurement नहीं है. हाँ, अगर इसके आगे कोई मेजरमेंट होता, फॉर एग्जाम्पल 312300 मिलीलीटर या 312300 सेंटीमीटर, तब हम इन सबको सिग्निफिकेंट मानते हैं. तो नेक्स्ट रूल ये बोलता है ऑल द जीरोस टू द राइट ऑफ अ नॉन जीरो डिजिट आर नॉट कंसीडर्ड एज सिग्निफिकेंट. अगर जीरोस के बाद कोई रीडिंग आ जाती है, जैसे ये हो गया मिलीलीटर, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 इन दोनों जीरो को हम सिग्निफिकेंट मानेंगे. और एक और रूल है ऑल द जीरोस टू द राइट ऑफ द डेसिमल, ये देखिए डेसिमल के राइट में, एंड टू द राइट ऑफ अ नॉन जीरो डिजिट. ऑल द जीरोस टू द राइट ऑफ अ डेसिमल एंड द राइट ऑफ अ नॉन जीरो डिजिट आर आल्सो कंसीडर्ड एज, इनको भी हम सिग्निफिकेंट मानते हैं. लास्ट रूल ऑल द जीरोस टू द राइट ऑफ अ डेसिमल पॉइंट, आप देखिए डेसिमल के राइट साइड एंड द लेफ्ट ऑफ द नॉन जीरो डिजिट, डेसिमल के राइट साइड और नॉन जीरो के लेफ्ट वाले जो जीरोस हैं उनको सिग्निफिकेंट नहीं मानते. इस मेजरमेंट में सिर्फ 3 सिग्निफिकेंट. तो ये कुछ रूल्स हैं आपको याद करने पड़ेंगे. जिस मेजरमेंट में जितने ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर होंगे उसकी एक्यूरेसी उतनी ज्यादा होगी. मोर द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, मोर इज द एक्यूरेसी. सो स्टूडेंट्स, आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल्स ये याद करने, कुछ 6-7 रूल हैं, ये आपको केमिस्ट्री में भी हेल्प करेंगे. सिग्निफिकेंट फिगर्स को हम लोग एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में, मल्टीप्लीकेशन में, डिविजन में भी करते हैं. एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हम देखते हैं कि डेसिमल के बाद जितने लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं हम अपना आंसर वहीं तक रिटेन करते हैं. मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में भी हमारा आंसर उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर तक लिया जाता है जितना कि लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर मेजरमेंट में होते हैं. मतलब अगर हम दो चीजों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं,
तो जिसमें लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होंगे हमारा आंसर भी उतने नंबर तक रिटेन होगा। ये मैं आपको आगे एग्जाम्पल से क्लियर करूंगा। अब एरर्स होते क्यों है, एरर्स के टाइप्स क्या है। हमने लैब में कोई मेजरमेंट किया, से हमने कोई लंबाई नापी या हमने कोई मास या कोई वेट नापा, x1, x2 till xn। अब हमें बताएं इसमें एरर होने लाजमी है। दे आर इनहेरेंट, देर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ एरर। सिस्टमेटिक एरर्स होते हैं विच अकर्स टू अ सिस्टम, अ पैटर्न, एक पैटर्न होता है, इंक्रीजिंग पैटर्न और डिक्रीजिंग पैटर्न। सेकेंड इज इंस्ट्रूमेंटल एरर, हम जिस इंस्ट्रूमेंट से रीडिंग कर रहे हैं उसी में डिफेक्ट है तो इट इज कॉल्ड इंस्ट्रूमेंटल एरर। फॉर एग्जाम्पल वर्नियर कैलिपर है, वर्नियर कैलिपर का जीरो अगर मेन स्केल के जीरो के साथ कोइंसाइड नहीं कर रहा, इट इज कॉल्ड इंस्ट्रूमेंटल एरर। हम स्टॉप वॉच, सिंपल पेंडुलम की ऑसिलेशंस को स्टॉप वॉच से नाप रहे हैं, उसमें एक्यूरेसी नहीं है। हम ऑसिलेशन शुरू होने से पहले स्टॉप वॉच को प्रेस कर रहे हैं या ऑसिलेशन खत्म होने के बाद उसको प्रेस कर रहे हैं, तो एक एरर आ जाता है, इंस्ट्रूमेंटल एरर। अगला है पर्सनल एरर, दैट इज ड्यू टू द केयरलेसनेस, ड्यू टू द रेकलेसनेस ऑफ द ऑब्जर्वर, जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है उसकी लापरवाही से इट हैपन्स। अगर आप लैब में एक डेकोरम और डिग्निटी के साथ एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे तो भी एरर आना लाजमी है। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं एक दैट इज ग्रॉस एरर, रैंडम एरर। रैंडम एरर ऐसे एरर होते हैं जिनका कॉज हमें नहीं पता, दे आर ड्यू टू अननोन कॉजेज। देन देर आर एरर्स ड्यू टू फिजिकल चेंजेस, आप लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, अचानक टेम्परेचर बढ़ जाता है, ह्यूमिडिटी चेंज हो जाती है, प्रेशर कंडीशन चेंज हो जाती है। जैसे एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, ओम्स लॉ में जब हम वी इज इक्वल टू आई आर को प्रूफ करते हैं तो हम टेम्परेचर को कॉन्स्टेंट लेते हैं, क्योंकि टेम्परेचर के चेंज होने से रेजिस्टेंस भी चेंज होगा। रेजिस्टेंस और टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो ये जो फिजिकल कंडीशंस हैं, प्रेशर, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, इसके कारण भी एरर होते हैं। तो एरर को वी कैन नॉट एलिमिनेट देम, ऑल्दो वी कैन मिनिमाइज देम बाय टेकिंग देयर अर्थमेटिक मीन। हमने कोई मेजरमेंट लिया, हम इन मेजरमेंट का अर्थमेटिक मीन, इनका औसत, इनका मीन ले लेंगे, तो ये जो अर्थमेटिक मीन है दैट इज क्लोज टू द ट्रू वैल्यू, ये ट्रू वैल्यू के पास मानी जाती है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, जब हमें बहुत सारे मेजरमेंट्स दिए हैं, बहुत सारे रीडिंग्स दिए हैं, उन सारी रीडिंग्स का हम एवरेज ले लेंगे, दिस एवरेज इज कंसिडर्ड टू बी अ ट्रू वैल्यू। तो एरर को हम इन जनरल डिफाइन करते हैं, इट इज डिफाइंड एज द डिफरेंस ऑफ ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। इनफैक्ट इसके लिए एक टर्म है एब्सोल्यूट एरर। तो फर्स्ट टाइप है एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट मैंने आपको वर्ड बताया परम, एक वर्ड होता है रिलेटिव, एक एब्सोल्यूट एरर इज डिफाइंड एज द डिफरेंस ऑफ ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। और अभी मैंने आपको बताया ट्रू वैल्यू इज द अर्थमेटिक मीन, जो हमने मेजरमेंट लिया था उनका अर्थमेटिक मीन ट्रू वैल्यू है। मेजर्ड वैल्यू एक्स आई, दिस आई मे बी 1, इट मे बी 2, इट मे बी n। तो हमारा मीन जो एब्सोल्यूट एरर है वो पहली रीडिंग में भी हो सकता है, दूसरी में भी हो सकता है, nth रीडिंग में भी हो सकता है। इन सारे एब्सोल्यूट एरर का मीन, मीन एब्सोल्यूट एरर, देखिए मैं एक टर्म बता रहा हूं आपको, मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ, ये जो एरर था ये सारे एब्सोल्यूट एरर का, डेल्टा x1, डेल्टा x2 टिल डेल्टा xn का जो मीन है, दिस मीन इज कॉल्ड मीन एब्सोल्यूट एरर, राइट। तो एब्सोल्यूट एरर इज डिफाइंड एज द डिफरेंस ऑफ ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। ट्रू वैल्यू इज x बार, मेजर्ड वैल्यू xi, पहली रीडिंग भी हो सकती, दूसरी भी हो सकती, n भी हो सकती, और इन सारे एब्सोल्यूट एरर का एवरेज इज कॉल्ड मीन एब्सोल्यूट एरर। डेल्टा साइन एरर रिप्रेजेंट करता है। अगली कैटेगरी हम लोग पढ़ते हैं रिलेटिव एरर, इसको फ्रैक्शनल एरर भी कहते हैं, आपेक्षिक त्रुटि। एरर इज त्रुटि इनफैक्ट, दैट इज गिवन बाय द डिफरेंस ऑफ एरर टू द ट्रू वैल्यू। एरर को हम डेल्टा एक्स से करते हैं और ट्रू वैल्यू इज एक्स बार, दैट इज एवरेज। और परसेंटेज एरर इज गिवन बाय द रिलेटिव एरर व्हेन एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज, जब हम रिलेटिव एरर को परसेंटेज में एक्सप्रेस करते हैं। रिलेटिव एरर अभी मैंने आपको बताया, एरर डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100 इज कॉल्ड परसेंटेज एरर। तो हम अपने नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स पढ़ेंगे, एडिशन के दौरान, सब्ट्रैक्शन के दौरान, मल्टीप्लीकेशन के दौरान, डिवीजन के दौरान एरर्स को कैसे व्यक्त किया जाता है। और एरर्स की एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, दे आर ऑलवेज एडिटिव इन नेचर। हम किसी भी मेजरमेंट में मैक्सिमम एरर लेके चलते हैं, प्लस वाला एरर। सो एरर रिप्रेजेंट्स द डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी। हमने आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स और इनके रूल्स आपको लर्न करने, दे हैव टू बी लर्न, इनका कोई ऐसा लॉजिक नहीं है। अगर आप किसी, देखिए ये एक सिग्निफिकेंट फिगर है, ये रीडिंग है, इसको मैं, इसको देखिए 3.123 इंटू 10 की पावर 1, 2, 3, 4, 5, तो ये जो 10 की पावर होती है इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में जब लिखते हैं 10 की पावर को भी सिग्निफिकेंट नहीं माना जाता।
तो इसमें चार सिग्निफिकेंट फिगर है। वैसे देखिए ये 0.00312 है, इसको मैं लिख सकता हूँ 3.12 × 10⁻¹⁴। देखिए डेसिमल 1, 2, 3, 4 प्लेस -4, तो 10 की पावर को सिग्निफिकेंट नहीं माना जाता। इसमें भी तीन सिग्निफिकेंट फिगर है, और सिग्निफिकेंट फिगर सिस्टम ऑफ यूनिट्स पे भी डिपेंड नहीं करता। जो सिग्निफिकेंट फिगर एमकेएस में, वही सिग्निफिकेंट फिगर सीजीएस, एफपीएस और एसआई में होंगे। होप दिस इज क्लियर टू यू। थैंक यू स्टूडेंट्स।